बिना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक चिकन की रेसिपी लेके आए हैं, इजीएस्ट चिकन करी। अगर घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए, आप लोग इस तरीके से चिकन को बना के दे सकते हैं। खाने में लाजवाब बनते हैं और वो लोग भी खा के आपका तारीफ भी करेगा। तो चलिए इस सब्जी को, चिकन के करी को हम कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। इसके लिए हमने 750 ग्राम चिकन को अच्छी तरीके से धो के एक कटोरी में ले लिए हैं और इसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे। लिए हैं गंधराज लेबू, हाफ गंधराज लेबू ले लिया हमने। और उसके बाद यहाँ पर 1.5 चम्मच दे दिया हल्दी पाउडर, देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसी टाइम दोस्तों सभी मसाले को हम दे के इसको मैरिनेट कर लेंगे। देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, दे देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और दोस्तों उसके बाद देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर। इसमें तीखापन नहीं है, आप लोग चाहो तो रेड मिर्च पाउडर भी दे सकते हो तीखे के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे अदरक, हरी मिर्ची और जीरा का पेस्ट, यही मसाला इसमें टेस्ट लाएगा दोस्तों। 3 बड़े चम्मच दे दिया हमने इस पेस्ट को, मिक्सी में हमने पेस्ट करके रखे थे। और उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे 2 चम्मच टोमेटो प्यूरे या टोमेटो सॉस। उसके बाद देंगे 1/2 चम्मच सोया सॉस। दोस्तों अगर सोया सॉस घर में ना रहे तो स्किप कर दीजिएगा, इससे टेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देंगे यहाँ पर 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल और दोस्तों यहाँ पर हम लोग दे देंगे चिकन करी मसाला 1 पैकेट। और अब हम यहाँ पर दे देंगे 1 चम्मच चीनी, चीनी स्वाद को बैलेंस करेगा। और उसके बाद यहाँ पर हम प्याज को काट कर रखे थे साइड में, दे देंगे 4 बड़े साइज का प्याज। और दोस्तों यहाँ पर देंगे 7-8 लहसुन की कलियों को हमने ग्रेट करके रखे थे, इसको हमने दे देंगे। और यहाँ पर सभी मसालों को दोस्तों 1.5 मिनट तक अच्छी तरीके से चिकन में मसल करके मैरिनेट करने के लिए हम छोड़ देंगे इसको 1 घंटे के लिए। ढक्कन लगा के इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए। अब दोस्तों 1 घंटे के बाद हमने गैस में कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर फिर से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिए हैं। आप लोग चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, सरसों का तेल से टेस्ट ज़्यादा आता है हर सब्जी का। और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे खड़े मसाले, साबुत जीरा, सूखा मिर्चा, 3 इलायची है, 3 लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता। अब इन सभी खड़े मसाले को हम अच्छी तरीके से एक बहुत अच्छा खुशबू आने तक भून लेंगे। और बस यहाँ पर हम दे देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन को। तो दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इस तरीके की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलने के लिए। और इस रेसिपी को ज़रूर एक बार घर में बना करके देखिएगा, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है, टाइम बिल्कुल नहीं लगते। और कमेंट करके हमको ज़रूर बताना कैसा लगा रेसिपी। दोस्तों इसके बाद इसको एक उबाल आ जाने पर हम उस कटोरा को धो के जो मसाले थे कटोरी में लगे हुए उसको भी यहाँ पर डाल दिए। तो आप लोग अगर पानी ना देने चाहो तो यहीं पर ढक्कन लगा करके चिकन को पकने के लिए दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे चिकन को थोड़ा अच्छी तरीके से बॉयल होने के लिए। दोस्तों यहाँ पर गर्म पानी ही यूज़ करना। अब पानी के साथ पूरे मसाले और चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर
इसको ढक्कन लगा करके पकने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा में ये सब्जी बनके रेडी हो जाता है। बीच बीच में एक बार खोल के इसको चला के देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, गरम गरम रोटी पराठे के साथ हम लोगों का चिकन बनके रेडी हो गया है।